हमारे नुमाइंदे फलकदीन बुलेटी की रिपोर्ट के मुताबिक हाल के इलेक्शन के मुबैना दांतली के खिलाफ नेशनल पार्टी सोहबतपुर की जानिब से भिंड शरीफ में एहतजाजी रैली निकाली गई है। रैली की क्यादत नेशनल पार्टी सोहबतपुर के ऑर्गेनाइजर मीर रोस्तम खान खोसा ने की है। रैली के शुरुआत ने हाथों में प्ले कार्ड्स उठाए हैं जिसमें हालिया इलेक्शन के दांतली के खिलाफ नारे दर्ज थे। मजीद जानते हैं हमारे ग्रेट न्यूज के नुमाइंदे फलकदीन बुलेटी से जो इस वक्त हमें आगाह करेंगे। जी फलकदीन बुलेटी, आगाह कीजिएगा, क्या तफसीलात हैं? जी मैं मौजूद हूं इस वक्त भंड शरीफ में। हालिया इलेक्शन के मुबैना धांधली के खिलाफ नेशनल पार्टी सोबतपुर की जानब से भंड शरीफ में एहतजाजी रैली निकाली गई है। रैली की क्यादत नेशनल पार्टी सोबतपुर के ऑर्गेनाइजर मीर रोस्तम खान खोसा ने की। रैली के शुरुआत ने हाथों में प्ले कार्ड उठाए जिसमें हालिया इलेक्शन के धांधली के खिलाफ नारे दर्ज थे। एहतजाजी रैली के मुजाहरीन ने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, जानबदार आरओज, डीआरओज और धांधली में मुलवस अनासर के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। रैली की शुरुआत से खताब करते हुए नेशनल पार्टी के मरकजी कमेटी के मेंबर कामरेड रफीक खोसा, सूबाई वर्किंग कमेटी मेंबर कामरेड नवाज खोसा, जिला ऑर्गेनाइजर मीर रोस्तम खान खोसा, एहसान अली कोरार व दीगर ने कहा कि हालिया इलेक्शन में बदतरीन धांधली हुई है, अवामी मैंडेट को पामाल किया गया है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जानबदारी का मुजाहरा करते हुए शफाफ इलेक्शन कराने में मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी है। हालिया इलेक्शन को पूरे पाकिस्तान समेत बलूचिस्तान भर की हकीकी व सियासी हलकों ने यकसर मुस्तरद किया है, जिनकी वजह से अवाम ने हर जगह पे एहतजाजें किए और मुजाहरे किए। उन्होंने कहा कि रियासत अवाम की हकीकी नुमाइंदगी से खौफजदा है, जिनकी वजह से अवाम की मैंडेट का एहतराम नहीं किया गया। अवाम ने किसी और को मुंतखब किया है, रिजल्ट किसी और को मिला है। नेशनल पार्टी हालिया इलेक्शन को यकसर मुस्तरद करती है। कैमरामैन टीम के साथ फलकदीन बुलेदी, ग्रेट न्यूज़, सोहबतपुर।